महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को 21 दिन के लिए लॉकडाउन करने का आदेश दिया है। ऐसे में देशवासी अपने घरों में अपने आप को सुरक्षित करे हुए बैठे हैं। वहीं रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली खाने पीने की चीजों के लिए कमी ना होने पाए, जिसके चलते हुए प्रशासन और पुलिस लगातार कदम उठा रही है। इसी के चलते मेरठ प्रशासन और व्यापारियों ने मिलकर दुकानों के बाहर चूने से घेरे बनाए हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 1 से 2 मीटर की दूरी रखी गई है और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वह खाने पीने का सामान दुकानों से खरीदें, लेकिन एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। ऐसे कड़े वक्त में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोज दिहाड़ी से अपना जीवन यापन करते हैं, और ऐसे लोगों पर इस लॉकडाउन के दौरान खाने पीने के संकट की स्थिति खड़ी हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस और आम लोगों ने अलग अलग जगह गरीब वर्ग के लोगों को अपने पास से ही खाना उपलब्ध कराया। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मेरठ पुलिस लोगों को खाने का सामान दे रही है। साथ ही कुछ लोग भी हैं जो गरीबों के लिए अपने पास से खाना बनवा कर उन्हें वितरित कर रहे हैं, जिससे कि इस मुश्किल घड़ी में उनके पास खाने पीने की कमी ना हो सके।